नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बाजार 17400 पे क्लोज करके गई है, कल कहाँ खुलेगी बताएंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले एक चार्ट आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये चार्ट अगर आपके सामने मैं प्लॉट कर दूँ तो आप क्या कहोगे, कमाल का चार्ट है। जी हाँ, आज का चार्ट बिल्कुल ऐसा ही बाजार ने बनाया है, और हमें पहले से पता होता बाजार के लिए रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ रहेगा, हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं या नहीं, आप खुद बताओ, हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं या नहीं, और अगर हम यहाँ पर बाई करेंगे तो हमको टारगेट कहाँ सेट करना है वो भी पहले से पता है। अभी आपको चार्ट रियलिटी में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम अगर यहाँ पर सेल करेंगे तो हमारा टारगेट कहाँ होगा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ऑफकोर्स ये बात है, यहीं पर हम टारगेट सेट करेंगे। हमको पहले से कैसे पता हो सकता है कि बाजार इस लेवल को तोड़ने में कठिनाई प्राप्त करेगी, और अगर एक बार तोड़ दी तो यही लेवल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो, इस लेवल पे अगर कोई बाई करता है तो उसको टारगेट कहाँ सेट करना है, यहाँ का, ठीक है। यह है आज का चार्ट निफ्ट। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि मेहनत तो दोस्त आपको करनी ही पड़ेगी, वो मेहनत कब रंग लाएगी ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि 22 ट्रेडिंग सेशन में से अगर चार दिन, दो से चार दिन भी ऐसे हो गए ना, ऐसे वाले जैसा आज गया है, तो मतलब आप जो लोग ड्रीम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे होगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग जो मेहनत करते हैं वो निफ्टेडर सेटअप के रूप में आपके सामने है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको लगता है कि आप सीख करके चीज़ों को आगे लेकर के चल सकते हो, तो बिल्कुल फ्री, ठीक है, ये लेवल्स तो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना। कोई भी आपको इतने एक्यूरेट लेवल्स फ्री में नहीं देगा, ये मैंने आपको पहले भी कहा है, आज भी बोल रहा हूँ, कोई दे ही नहीं सकता आपको, ठीक है। हमें पता है हम लोग कितनी मेहनत करते हैं इन लेवल्स को आप तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। लगातार आप देखिए, लगातार परफॉर्मेंस देखिए, और फिर भी अगर आप इनका अपमान जैसा करोगे, अपमान ही है, अगर इनका आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके सामने हैं और ऐसे ही अंधी चुक्की खेल रहे हो, तो वो अपमान ही हुआ लेवल का। तो भाई मैं आपके साथ वही कह सकता हूँ कि वही आप 5:95 के रेशियो में रह जाओगे, यहीं पर आप जाओगे, भीड़ में आप खो जाओगे। यहाँ पर जो 5% में आएगा वो 1% ऐसे होंगे जो सुपर ट्रेड करते हुए पाए जाएंगे, और जो बाकी बचेंगे ना उनको लॉस नहीं देगी बाजार, वो अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, वो अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो मेहनत करेगा उसे फल तो मिलेगा, लेकिन आप इस 95 की भीड़ में अगर घुसना चाहते हो तो वही करो जैसे कि रोड पे किसी नेता की गाड़ी निकल रही हो, तो 95% लोग कहेंगे अरे यार रौला है नेता का, नेता तो बहुत बड़ा आदमी है यार, नेता के पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन उनको नहीं पता नेता चोर है, नेता चोरकट है, ठीक है, नेता से बड़ा चोर कोई होगा नहीं जो जा रहा है, ऐसे कैसे कोई खरीद लिया गाड़ी यार, ऐसे कैसे खरीद लिया। अगर आपकी सोच इस तरीके की है, आप उस 5% की कैटेगरी में आते हो, समझ गए ना, हर जगह यही हाल है यार, 5% लोग इंडिया में इनकम टैक्स पे करते हैं, कैन यू बिलीव दिस, केवल 5% लोग, और बाहर निकल के देख लो हर कोई करोड़पति बना घूम रहा है, किसी से चार अक्षर अगर बात कर लो तो कहेगा अरे हमको जानते नहीं, हम करोड़पति आदमी हैं, समझ रहे हैं ना, ये है भारत की रियलिटी। ये जो 95% लोग हैं, मैं मानता हूँ उसमें से कुछ ऐसे हैं जो इनकम टैक्स देने की काबिलियत नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग उन्हीं के लिए हैं, हम लोग उन्हीं के लिए इनकम टैक्स पे करते हैं कि वो आगे बढ़ सकें, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि इंडिया में कम से कम 25% ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स जितनी कमाई करते हैं लेकिन पे नहीं करते, वो सब चोर हैं, चोरकट हैं। हो सकता है आप में से भी कोई हो, तो मैं उसको भी चोरकट बोल रहा हूँ, बुरा लगे तो लगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सीधी एकदम नंगी बात करता हूँ, ठीक है, नेकेड ट्रूथ आपके सामने रखता हूँ, और यही कड़वा सच है, मान लो इसको। मैंने ये बात कहाँ से उठाई, फ्री से, ठीक है, फ्री 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 आप लोग बहुत चिल्लाते थे, मैंने आपको टास्क देना चालू किया, मैंने कहा 45 दिन अगर आपने हमारे टास्क कर लिए तो आपको फ्री में सारे सेटअप प्रोवाइड कर दूंगा। कैन यू बिलीव दिस, 300 से ज़्यादा, 320 के आसपास लोगों ने ज्वाइन किया था, और अंत होते होते केवल 52 लोग टोटल टास्क कंप्लीट कर पाए हैं, अभी शायद एक बचे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कल आखिरी डेट है, जो भी बचा हो वो कंप्लीट कर लेगा अपना टास्क। तो ये तो हाल है, सिखाने पे आ जाओ फ्री में, बिल्कुल फ्री, मैंने बोला था 300 लोगों ने शुरुआत करी और अंत कितने पे हुआ, 50 पे। अब सोच लीजिए, ये है कड़वा सच, और ये आप लोगों की सच्चाई है, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरे 5 साल पहले की सच्चाई है, या आप में से बहुत सारे लोगों की आज की सच्चाई है। तो सोच लो आपको क्या करना है, चार्ट आपके सामने बना हुआ है, जो अभी मैंने आपके सामने चार्ट रखा हुआ है, आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो, ये आज ही का चार्ट है। और अगर आपको यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड मिला होता तो आपको टारगेट कहाँ सेट करना है पहले से पता होता, और इतना बड़ा जो मोमेंटम आया, हम इस पूरे मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर सकते थे, समझ गए। तो इन्जॉय करिए भैया, इन्जॉय करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो सोचता है कि हम बिना मेहनत के इन्जॉय कर लेंगे, तो भाई अपने बाप के, अपने माँ के, या किसी के भी पैसे पे ही आप ऐस कर रहे हो, और वो
ऐस ना बहुत छोटे टाइम फ्रेम की है, उसके बाद आप रोओगे, पछताओगे और फिर सोचोगे कि मैंने सही वक्त रहते मेहनत क्यों नहीं करी थी। ठीक है, शरीर बूढ़ा हो रहा है और उसको संभालने के लिए आपको दुनिया की सोच से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। मनोज वर्मा जी बोल रहे हैं, योर रिकमेंडेड स्टॉक IDBI। भाई IDBI 12% भागा मेरे स्विंग ट्रेडिंग वाले उसमें था, मैं क्वांटिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर पाया, लेकिन 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 आपने जो 5000 क्वांटिटी ऐड करके ट्रेड किया ना, दिल खुश हो गया आपकी क्वांटिटी को देख करके। ठीक है मनोज जी, आपको प्रॉफिट की शुभकामनाएं, और जिन लोगों ने भी IDBI में पार्टिसिपेट किया उनको शुभकामनाएं। चलिए चार्ट देख लेते हैं, एक मिनट IDBI का चार्ट देखेंगे। कमाल का चला है ना, IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट में भी मैंने बोला था, उससे पहले एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको दिया था IDBI बैंक कि इसको खरीदो, क्यों खरीदना है जाकर के वीडियो देखना, आपको बात पता चलेगी। और एक दिन में जब कोई स्टॉक 13% भागता है, ठीक है, एक दिन में जब कोई स्टॉक 13% भागता है विद प्रॉपर रिसर्च, तो वहाँ पर बहुत अच्छा फील होता है, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। काश मेरे पास और क्वांटिटी होती, लेकिन ये अफसोस करने का समय नहीं है, खुशी मनाने का समय है। अगला कमेंट देख लेते हैं, निशान श्रीवास्तव बोल रहे हैं, देवयानी की आंखों में दिल आ गया। अच्छा देवयानी भी भागी है और देवयानी को भागना भी चाहिए। वसीये, आज पहली बार शॉर्ट में, वैसे आज पहली बार शॉर्ट में भी पैसा बना एंड बाई में भी बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज बाज़ार थी ऐसी कि शॉर्ट भी करो पहले। देखा, अभी आपको मैंने चार्ट में वही बात समझाई, यहाँ पर आप देखिए पूरा मौका है, बाज़ार हमको खुद बता रही है और लेवल हमको बता रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट करने का मौका है। ठीक है, हो सकता है किसी ने ना किया हो, लेकिन लेवल आपको साफ साफ इंडिकेशन दे रहे हैं बाज़ार इसके ऊपर नहीं जा पा रही है। शॉर्ट करके पैसा बनाइए, फिर बाई करके पैसा बनाइए, इतने अच्छे दिन कम ही आते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं, डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं है ओवर ट्रेड लेवल्स। जी लेवल्स यहाँ पर कमेंट इसलिए किए गए हैं, देखो डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं है ओवर ट्रेड। अमित जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हो और बहुत ज़रूरी बात है, और मैं ऐसे लोगों से काफ़ी इंस्पायर भी होता हूँ। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने देखा होगा कभी कभी हम मात्र दो ट्रेड करते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है और ऐसा दिन भी आया है कि हम केवल एक ट्रेड लेते हैं, और आज हमने मोर देन 5 ट्रेड्स ले लिए, 6 ट्रेड्स मैंने किया है, तो आप कह रहे हो कि ये अच्छी बात नहीं है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं है। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए कि आज बाज़ार उसी मूड में थी कि पहले सेल करवा रही थी फिर बाई करवा रही है, और जब भी ऐसा दिन आएगा वो रेयर होगा, और ऐसे दिन का ही हमें इंतज़ार रहता है जहाँ पर हमें ढेर सारे टारगेट्स मिले, तो आप समझ गए होंगे कि उसके पीछे की मेरी लॉजिक क्या थी। ठीक है, ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी इससे पहले वाली वीडियो में। अब बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी इंट्राडे स्टॉक्स की, लेकिन IDBI की ही तर्ज पे मैंने एक और स्टॉक आप लोगों को दिया था अतुल, प्राइस यहाँ पर ज़्यादा था और मैंने आपसे बोला था कि मेरा कन्विक्शन यहाँ पर काफ़ी हाई है, और आप अगर आपको याद हो कि ये इसी लेवल के आसपास फंसा हुआ था और वहीं पर हमने ये वाले मोमेंटम को भी पकड़ा था। ठीक है, उसके बाद ये वाले मोमेंटम में मैंने पार्टिसिपेट किया था, ट्रेड लेने के बाद मैंने यहाँ पर एग्जिट क्यों नहीं किया था, सारी बातें आपको स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो में बताई गई हैं। और 8200 वाला स्टॉक 1000 रुपये से भी ज़्यादा ऊपर है, 9410। कैन यू बिलीव कि मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी होगी या नहीं? जिन लोगों को TSL के बारे में पता है वो खुद प्रिडिक्ट कर लिए होंगे कि मेरे पास यहाँ पर क्या कंडीशन बनी होगी। ठीक, चलिए अब इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। SBI कार्ड आपके लिए रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक, इधर साइड आपको ट्रेड पकड़ना है, 935 जहाँ पर खड़ा स्टॉक, इसके ऊपर आपको पॉजिटिव साइड का भी ट्रेड बढ़िया मिल सकता है। रखिएगा नज़र, कैसे करना है, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो और पिवट पॉइंट वाली वीडियो आपकी मदद करेगी। रैलिस इंडिया, यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत है क्या मुझे? नहीं है ज़रूरत। ठीक है, अगर आपको याद हो जब ये नीचे के लेवल पे था हम बहुत मेहनत कर रहे थे कि इसको ऊपर लेकर के आ जाएं किसी तरह, लेकिन अंततः यह वहाँ से निकला है और अभी भी बहुत सही लेवल पे आकर के खड़ा है, बड़ा मोमेंटम आ सकता है, अभी भी रेजिस्टेंस है 219.60 रुपये पे, ध्यान रखिएगा इस लेवल पे। ठीक है, एक्सिस बैंक आपके लिए रहेगा बढ़िया इंट्राडे स्टॉक, नज़र इस पे भी रखिएगा। वोल्टास आपके लिए रहेगा आखिरी इंट्राडे स्टॉक। वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखो। अभी बात कर लेते हैं FII DI के डेटा की, 765 करोड़ की खरीदारी की है FII ने, DII ने 518 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, ये डेटा ठीक ठाक है, DII यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम रखे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो 17000 के नज़दीक हो सकता है वो खरीदारी करें, उसके नीचे भी कल आपको एक लेवल बताया गया था, तो ध्यान रखिएगा। बाकी जो कल लेवल्स काम आएंगे वो आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लेवल लिखने के बाद भी आपको से कुछ बातें करूँगा कॉमेंट को लेकर ही, जो कि हैं म्यूजिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए उन कमेंट्स को मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले आपके लिए लेवल्स लिख देता हूँ, आप ये लेवल्स नोट कर लीजिए। नोट कीजिए लेवल्स, ये हैं निफ्टी के लेवल्स और ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स, आई होप आपको दिख रहे होंगे साफ साफ। अब बात कर लेते हैं कमेंट्स की, ये कमेंट्स रिलेटेड हैं किससे? म्यूज़िक से, तो देखेंगे यार उस पे कैसे समझ में बैठ सकता है, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है म्यूज़िक वाली। ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है,
हितेश भैया बोल रहे हैं आई एम आई म्यूजिक लवर, हम भी म्यूजिक लवर हैं यार, हमको काहे अलग कर दिए। मनीष चौधरी बोल रहे हैं सर टास्क कहाँ है, टास्क खो गया है क्या? मनीष जी आपको कुछ बातें बताई गई थी तो थोड़ा सा चीज़ों को सीरियसली लिया कीजिए।